हेलो गाइस, मेरा नाम विभु भल्ला है। मैं श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं 4 साल से आर्चरी कर रहा हूँ। मैं 2 नेशनल्स खेल चुका हूँ, 1 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप्स खेल चुका हूँ और डेली स्टेट में भी मेरे पास बहुत मेडल्स हैं। मैं एक कंपाउंड आर्चर हूँ, तो आज मैं आपको कंपाउंड आर्चरी की थोड़ी डिटेल्स बताना चाहूँगा और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। 2014 में डेली स्टेट में 4 सिल्वर मेडल्स जीते, उनमें से एक गोल्ड भी था और वो मेरे लिए एक बहुत मूविंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने नेशनल्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू करा, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी और वो बहुत मुश्किल लगता था मुझे। फिर मैं धीरे धीरे नेशनल्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू करा और 1 साल बाद मैं जूनियर नेशनल के लिए क्वालिफाई कर गया। वो बहुत मूविंग पॉइंट था मेरी लाइफ के लिए, वो मेरी आर्चरी के लिए बहुत एक ब्रेक थ्रू था। उसके बाद जूनियर नेशनल गया और वहाँ भी मैंने एक बहुत अच्छा स्कोर करा, जो कि झारखंड में था। उसके बाद जब मैं दिल्ली वापस आया तो मेरे 12th क्लास ख़त्म हो चुकी थी और मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आर्चरी का स्पोर्ट्स कोटा भी होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मैंने स्पोर्ट्स कोटा का यूज़ करके खालसा कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर मैंने खालसा कॉलेज से ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप्स भी खेली दिल्ली यूनिवर्सिटी टीम में आके। तो मेरी सबको यही एडवाइस है कि अगर आपको दिल्ली में आर्चरी शुरू करनी है तो इन माई ओपिनियन बेस्ट सेंटर इज़ यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। वहाँ पर कोचेज़ भी बहुत अच्छे हैं और पूरा एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि आप प्रोग्रेस कर पाएंगे, बट आपको 2-3 साल तो आर्चरी में मिनिमम देने ही होंगे अगर आपको आगे निकलना है। तो पहले तो मैंने एक मज़े के रूप में स्टार्ट करा कि बहुत फैसिनेटिंग स्पोर्ट लगा मुझे। तो फर्स्टली मैंने एक इंडियन बो लिया, जो वो बहुत बेसिक बो है, वो वुड, मणिपुरी वुड से बना होता है, और मैंने उसे प्रैक्टिस करना शुरू करा। धीरे धीरे आई स्टार्टिंग डेवलपिंग माई स्किल्स और मैंने दिल्ली स्टेट में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता उस बो से, विच वॉज़ अ वेरी मूविंग पॉइंट फॉर माई आर्चरी। उसके बाद से मैंने फिर मेरे कोच ने कहा कि अब आपको स्पेशलाइजेशन लेनी पड़ेगी, और 2 टाइप की स्पेशलाइजेशन होती हैं आर्चरी में, एक होती है रिकर्व बो की और एक होती है कंपाउंड बो की। दिस इज़ अ कंपाउंड बो। तो मैंने सबसे डिस्कस करा, अपने कोच से डिस्कस करा, और मैंने आई फाउंड कि मेरे लिए बेस्ट बो कंपाउंड बो रहेगा। इसकी डिस्टिंक्शन होती है कि इसमें एक पॉइंट तक बहुत हार्ड प्रेशर होता है, उसके बाद वो प्रेशर स्टॉप हो जाता है। ये एक बो है, ये इसका हैंडल है जहाँ से इसे पकड़ा जाता है, ये है साइट जिससे आप टारगेट को देखते हैं, और ये है इसकी स्ट्रिंग। तो सबसे पहले मैं एक एरो निकालूंगा, दिस इज़ एरो, उसको मैं रखूंगा और मैं इसको स्ट्रिंग में फिक्स कर रहा हूँ। फिर इसे कहते हैं रिलीज़र, इसको मैं स्ट्रिंग में फिक्स करूँगा, फिर आई ट्राई टू पुल इट। फिर मैं इसे खींचते हुए अपनी चिन के नीचे ले जाऊँगा, फिर मैं धीरे धीरे इसे नीचे लाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपाउंड बो एक जनरल बो से डिफरेंस उसमें ये होता है कि एक पॉइंट तक मुझे इसमें बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, फिर ये लॉक हो जाता है, अब इसमें कोई प्रेशर नहीं है। बट एक कन्वेंशनल बो में आपको एंड तक खींचना पड़ता है। तो मैं धीरे से छोड़ूंगा, इसका प्रेशर रिलीज हो गया। सो इट्स अ काइंड ऑफ मशीन, ये बहुत नया बो भी है, 2000s में, ये अराउंड 2000 में इन्वेंट हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक साइट है, इसमें से मुझे एम लेना पड़ता है, और इसकी कॉस्ट इट्स अराउंड 30,000 के अराउंड इसकी कॉस्ट होती है, और ये मेनली USA में बनती है। इसका ब्रांड है शॉलॉक। तो फिर इसके बाद दीज आर कॉल्ड कैम्स, ये सारा एक एंड के बाद ये सारा प्रेशर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद वो मुझे बहुत लाइट फील होता है। दिस इज़ कॉल्ड अ डी लूप, इसके अंदर एरो फिक्स करते हैं और इसके अंदर रिलीज़र भी फिक्स होता है पीछे से, और ये शूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ये। उसके बाद जब मैं इसे पुल करता हूँ, इसके चेन के नीचे ले आता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड एन एंकर पोजिशन, ये एंकर होता है। इसके बाद मैं बो से कम्प्लीटली देख सकता हूँ, और जैसे ही मुझे क्लियर एम मिलेगा आई शूट इट। उसके बाद ये बेसिक चीज़ें हैं, ये है एक हैंडल, हैंडल को यहाँ से पकड़ना होता है, और यात्री का बेस ऐसे यहीं से पकड़ के शूट करना होता है। इस चीज़ को हम पीप साइट कहते हैं। जब मैं अपनी एंकर पोजीशन में चले जाता हूँ तो इस चीज़ के अंदर से मुझे अपनी साइट को देखना होता है, और मेरी साइट में एक ब्लैक डॉट है बीच में, और मेरी साइट में एक ब्लैक डॉट है और उसके पीछे एक वाटर लेवल है जो मुझे बताता है कि मेरा बो सीधा है या टेढ़ा हो रहा है।
अगर वाटर लेवल मेरा बीच में है, दैट मीन्स मेरा बो बहुत सीधा है अभी। अगर वाटर लेवल मेरा लेफ्ट में जा रहा है तो मतलब मेरा बो राइट में शिफ्ट हो रहा है, और अगर मेरा वाटर लेवल लेफ्ट में जा रहा है तो फॉर श्योर वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। शूटिंग के टाइम एक आर्चर को पता नहीं लगता है कि उसकी बॉडी सीधी है या टेढ़ी हो रही है, या उसका बो सीधा है या टेढ़ा हो रहा है, तो कि आर्चर को पता लग पाए कि उसकी बो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए वाटर लेवल इन्वेंट करा है कि वाटर लेवल को जो बीच पर रखेगा उसका बो सीधा ही रहेगा और हमेशा एरो सीधा ही जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड अ रिलीजर। इसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 15,000 होती है और ये भी USA में ही बनता है जनरली। तो बेसिक रिलीजर है, इसको पीछे करना होता है और पीछे एक लेवर टाइप होता है, उसे पुश करना होता है। उसके बाद दिस इज कॉल्ड अ डी लूप। इस डी लूप के अंदर मेरे को ये लगा कर इसे बंद कर देना है। अब ये लॉक हो चुका है, ये बाहर नहीं निकल सकता। अब इसको थंब को रख के जैसे ही मैं इसे प्रेस करूँगा ये बो से रिलीज़ हो जाएगा। तो जैसे ही मेरा एम फिक्स होगा और एंकर पोजीशन मेरी परफेक्ट होगी, उस टाइम मैं इसे थंब पे रख के अपनी बैक पुल करूँगा और वो रिलीज़ हो जाएगा। यार एक रूल होता है 3 सेकेंड रूल। जब मैं चिन के नीचे मेरा हाथ आ जाए और मेरी एंकर पोजीशन बन जाए, तो मेंटली हर आर्चर मन में 3 सेकेंड तक काउंट करता है, 1, 2, 3, और उसके बाद बैक प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि अपने आप ही शॉट निकल जाता है। वैसे तो 4 मिनट्स का हमारे पास शूटिंग टाइम होता है। 4 मिनट्स के अंदर आपको 6 एरोज चलाने होते हैं, ठीक, और 4 मिनट्स के अंदर आप 6 एरोज शूट करने होते हैं। तो टेक्निकली पर सेकंड आपके पास 60 सेकेंड्स है, और इसमें आर्चर चाहता है कि वो 30 सेकेंड्स का ब्रेक भी ले ले कि वो अपनी बॉडी को प्रेशर उससे रिलीज़ कर दे, थोड़ा फिजिकली और उससे रिलैक्सिंग हो जाए। तो आपको एक मिनट में एक एरो शूट करना होता है टेक्निकली अगर देखा जाए। तो आपको पुल करना है, आपको चिन के नीचे अपना एरो लाना है और 3 सेकेंड्स के अंदर, मैक्स टू मैक्स 5 सेकेंड्स के अंदर अपना शॉट निकाल देना है। उसके बाद आप रेस्ट करिए, जो कि 30 सेकेंड्स का रेस्ट ले लीजिए, फिर एक और एरो निकालिए, फिर चलाइए और 6 मिनट्स के अंदर पूरा कर दीजिए। 30 सेकेंड्स में अथॉरिटीज़ आपको बता देंगी कि 30 सेकेंड्स लेफ्ट हैं, और उसके बाद आप 30 सेकेंड्स तक जनरली एक ही एरो बचना चाहिए आपका और 6 एरोज चल जाने चाहिए तब तक। दिस इज़ कॉल्ड अ शॉर्ट बार। इस शॉर्ट बार की अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होती है 2000। इसके ऊपर वेट्स मैंने एडिशनल लगा रखे हैं, वो वेट्स पर वेट अराउंड 150 का वेट है और इसमें लगभग 7 वेट्स हैं, तो 750 के तो वेट्स होगा इसमें। और दिस इज़ कॉल्ड अ लॉन्ग बार। ये लॉन्ग बार होता है कि बो रिलीज़ के बाद आगे की तरफ जाए। अगर मैं बो खींचूंगा, कभी कभी चांसेस होते हैं बो मेरी तरफ ही ना वापस आए, तो इसलिए हम आगे एक लॉन्ग बार वेट्स के साथ लगाते हैं कि शूटिंग के बाद अब ऑटोमेटिकली बो नीचे चले जाए मेरे हाथ से। जैसे ही मैं ऐसे शॉट निकालूंगा तो वो नीचे जाना चाहिए, तो इसलिए हम लॉन्ग बार लगाते हैं। इसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होती है 11,000 रुपीज़। फिर ये साइट है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी कॉस्ट अराउंड 30,000 होती है, और अगर आप बहुत अच्छी साइट लें तो 50,000 की भी आ सकती हैं। फिर इसके बाद ये होता है एरो रेस्ट। इस ब्लेड के ऊपर मैं अपना एरो रेस्ट करता हूँ। इस ब्लेड के ऊपर मैं अपना एरो रखूँगा, और इस पूरे सिस्टम की, जो इसको भी इंक्लूड करता है पीछे वाले पार्ट को, इसकी भी कॉस्ट अराउंड 5,000 to 6,000 होती है। और सारी एक्सेसरीज को मैं हटा दूं तो सिर्फ बेसिक बो जिसमें कैम है, लिम्स हैं, हैंडल है, इसकी ओवरऑल कॉस्ट 90,000 होती है। तो ओवरऑल विद एक्सेसरीज मिला के ये बो आपको 1.5 लाख का पड़ ही जाता है। ये एक अच्छा बो है। अगर आप मिनिमम लेना चाहें तो बोज आपके पास 50,000 के भी बोज आ जाते हैं। दिस इज़ अ गुड बो। ये प्रोफेशनल यूज़ करते हैं सारे ओलंपिक्स में, तो अभी कंपाउंड है नहीं, सारे एशियन गेम्स में, सारे अच्छी जगहों पे यही बो यूज़ होता है। फिर इसको कहते हैं क्विवर, क्योंकि एक आर्चर के पास बहुत सारा सामान होता है, उसको एरोज रखने होते हैं, उसको अपना रिलीजर रखना होता है, तो हर चीज़ अपने साइड में नहीं रख सकता। तो इसलिए एक चीज़ बनाई गई जिसका नाम है क्विवर। इसके अंदर मैं अपना रिलीजर रख सकता हूँ, अपना स्टैंड घुसा सकता हूँ, और इसमें एक 4 सेक्शंस होते हैं मेरे एरोज रखने के लिए। जैसे जो अच्छे एरोज हैं मैंने उन्हें आगे रख रखा है, जिन एरोज में कुछ डिफेक्ट है मैंने उन्हें लास्ट जगह पे घुसा रखा है। सो दिस इज कॉल्ड अ क्विवर। इसके अंदर और भी पॉकेट्स हैं जो बेसिक चीज़ें रखने के लिए, और इसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 3500 है। ये भी अलग अलग कंपनीज का आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप ये ब्राउन चीज़ देख रहे हैं इसे हम कहते हैं टारगेट, और जिस ग्रीन चीज़ पे रेस्ट कर रहा है इसे हम कहते हैं स्टैंड। तो ये टारगेट और स्टैंड अगर कंबाइन करा जाए तो इसकी कॉस्ट भी 6,000 के अराउंड होती है। फिर इसके ऊपर हम एक लगाते हैं टारगेट फेस। ये फेस रिकर्व के लिए डिफरेंट होता है और कंपाउंड के लिए डिफरेंट होता है। तो कंपाउंड के लिए जनरली फेस छोटा होता है और रिकर्व के लिए वो पूरे टारगेट को कवर कर लेता है।
सो 50 मीटर्स के लिए ये सिक्स रिंग फेस यूज़ होता है। इसमें आप टेक्निकल नोटिस करिए तो सिक्स रिंग्स हैं। तो ये जो रिंग है जिसके अंदर 10 लिखा हुआ है, ये डिनोट करता है कि एरो 10 में लगा है। फिर उस 10 के अंदर भी एक छोटी सी रिंग है, वो होता है एक्स, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में बुलसाई कहते हैं, वो मैक्सिमम पॉइंट होता है। फिर 10 रिंग के आगे एक रिंग आती है 9 रिंग। अगर एरो 9 रिंग में लगा तो उसे 9 गिना जाएगा और उस 9 रिंग में भी लिखा होता है 9। फिर एक और आउटर रिंग होती है 8, फिर उसकी अगली रिंग होती है 7, उसकी अगली 6 और फिर 5। अगर 5 से भी आपका एरो बाहर है तो उसे मिस काउंट करा जाएगा, 0। तो कंपाउंड आर्चरी में मिनिमम स्कोर आपका 5 लग सकता है, मैक्सिमम स्कोर आपका बुलसाई यानी कि एक्स लग सकता है। एक्स और 10 मतलब सेम स्कोर, बट अगर कभी आर्चर्स का स्कोर टाई हो जाए तो जिसके ज़्यादा एक्स होते हैं उसे प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे मैंने 3 एरो शूट करे, उसमें से एक लगा है 10 में, दूसरा वाला लगा है 9 में और ये तीसरा वाला लगा है 8 में। तो ये बेसिक्स होते हैं आर्चरी के, अगर आपको फेस पे शूटिंग करनी है।